समस्याएं तो होती है सभी जगह ना, लेकिन समस्या के निराकरण और एक अच्छे गवर्नेंस के लिए वी कैन कम्युनिकेट टू सोसाइटी, है ना, और उसी मंच पे बोलने के बाद लोग फिर सुनते हैं ना, आपके सब्जेक्ट को भी सुनेंगे ना, फिर आप दो लाइन तो गौ माता के प्रति आस्था हिंदुत्व में हिंदू हैं तो जरूर बोलेंगे ही। मैं तो गौ माता के लिए इतनी बातें कह सकता हूँ कि मैं भारत वर्ष के हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गायों की संख्या 10 गुना कर दी जाएगी, और ये गायें जो है आज जैसी घूरे पर नहीं बैठेंगी, रोड पर नहीं बैठेंगी, उन गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उस डेडिकेटेड कॉरिडोर एक्चुअली देख रहा हूँ कि इतने बुरे हाल है ना, मैं तो अभी हूँ वेस्ट बंगाल के में लगभग, थोड़ा कहीं आया हूँ, लेकिन मैंने देखा इधर से आते समय बाई ट्रेन ही आ रहा था मैं, तो मैंने देखा क्या कि जैसे जैसे मैं इलाहाबाद से आगे बढ़ा हूँ ना, कि बरसात का मौसम था, मैं देख रहा था अपने सीट पे बैठे बैठे, है ना, और मैं देख रहा था एक भी मुझे देसी नस्ल की गाय तो दिख नहीं रही थी। जैसे जैसे बढ़ा हूँ बंगाल की तरफ, बिल्कुल जर्सी गाय दिख रही हैं, जिसको जिसके मिल्क को पॉइजनस माना गया है, रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेविल इन द मिल्क की किताब भी है। हाँ, मुझे लगा ये तो पूरा का पूरा सफाई कर दिए हैं, है ना, तो वही तो चीज है। आपको चाय की लत लगवा दी, एक मिनट देखिए, आपको चाय की लत लगवा दी, एक प्राणी को जो है ना उन्होंने ब्रेन वॉश करके मूर्ख बना के उसको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का विधाता बना दिया। उस व्यक्ति ने आपकी जो जैविक खेती था उसको खत्म करके एक केमिकल रासायनिक विष वाली खेती को डाल दिया, और उसने आपकी मिट्टी को और आपके फूड चेन को विषाक्त बना दिया। हम में से कोई भी विद्वान अभी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये कहीं ना कहीं हमारी भूल थी। आज भी हम कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस भूल को यदि हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम एक अस्वस्थ भारत, जहां भारत के 2/3 नागरिक जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे, ये आप आज से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर देख लेंगे। 2/3 ऑफ इंडिया विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कौन इलाज करेगा? बिल्कुल, और उस समय उसकी मानसिक और वैसी स्थिति कितनी दयनीय होगी, वो कितना पीड़ित समाज होगा, उस पीड़ित समाज में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति होगी, व्यवसाय की क्या स्थिति होगी, सर्विस सेक्टर की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करना कठिन होगा। जो हम विकसित भारत कह रहे हैं उसको यदि हम रोगी भारत कहने के लिए विवश होंगे तब हमारी स्थिति कितनी विषम होगी। क्या, और ये काम, जैसे मिनट प्रभु नारायण जी, ये काम आपकी गौ माता वाला जो है, यदि हम जो है गौ माता का यूज करते हुए, मूत्र और उसका यूज करते हुए, उसमें जीवाणु डालते हुए हम 1 साल से 3 साल से तक जो है एक छोटी सी अवधि में, इस छोटी सी अवधि में हम जो है फिर से अपने जो है ना मिट्टी को स्वस्थ बना पाएंगे, फूड चेन को जो है ना अच्छा कर पाएंगे, जो हम पैदा कर रहे हैं उससे कम से कम 10% ज्यादा पैदा कर पाएंगे, और वो स्वस्थ वर्धक होगा। गायों की संख्या हम 10 गुनी कर पाएंगे, और इन गायों की मसाजिंग होगी, नहाया जाएगा, इनको सजाया जाएगा, इनकी पूजा की जाएगी, और हमें दूध का प्रोडक्शन जो है वो आज की तुलना में 10 गुना हो जाएगा। तो क्रिमिनल्स लोग को नहीं, आप क्रिमिनल्स एक किनारे रखिए ना, हम नए इकोसिस्टम को देखो। यदि आप देखिए, आज हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है आज की ये दुष्ट व्यवस्था प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो हार्मफुल केमिकल से बना रही है। जब 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 मैं सुनिए, मैं जब आपकी यहाँ से निकला, हाँ, तो प्रेम प्रताप जी के साथ मेरी टाई अप हुई राजगढ़ में, वो जो उसका दिग्विजय सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसने अपने जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाया और उसने पूरी स्टोरी दे शिवराज सिंह चौहान का कहा कि सर ये नकली दूध बनाता है
और इस पे एक महिला ने, महिला जर्नलिस्ट ने पूरी स्टोरी की और छपा भी भास्कर में, दैनिक भास्कर का कॉरेस्पॉन्डेंट था वो, उसका जूनियर रहा होगा। तो होटल में आया और वहाँ संस्कृति होटल है राजगढ़ में, हम वहीं ठहरे थे नाइट में, सुबह सुबह आया और जो जो स्टोरी बताया दैट वाज स्टनिंग रियली। ठीक है, उसको नेक्स्ट डे सस्पेंड करवा दिया, हटवा दिया। और सुनिए, उस पत्रकार अभी महीना दिन हुआ है ना, उस पत्रकार को, लेडी पत्रकार को। और सुनिए मेरी बात, अभी अभी एक महीना हुआ है जब उसके छोटे बेटे का एंगेजमेंट हुआ ना, तब मैं, मुझे लगा कि उस समय में कितना परसेंट सही कह रहा है, कैसे हम अनुमान लगाए। लेकिन जब एक महीना पहले मालूम चला कि उसके छोटा बेटा डेयरी उद्योग चलाता है, तब मुझे उसकी बात याद आई कि ही वॉज सेइंग अस राइट बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा मीडिया में कि उसके छोटे बेटे का एंगेजमेंट हुआ है, तो उसका परिचय दिया था नेशनल मीडिया ने कि वो डेयरी उद्योग चलाता है, समझ रहे ना। तो सोचिए कि सबसे बड़ा कल्प्रिट तो आपका सीएम बैठा हुआ, नकली मिल्क बनाता है, सारा कुछ खोल के बताया, समझ रहे ना। नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि शिवराज की बिजनेस भी है। ठीक है, वो किस लिए इंडिजिनस गांव को प्रमोट करेगा, बीजेपी किस लिए प्रमोट करेगी। ओ हमें इसी पे तो कमलनाथ ने वो ले लिया, बोला कि हमको हिंदुत्व की बातें कर। प्रभु प्रभु नारायण जी, देखिए हम इंडिविजुअल्स को हैंडल करने की बजाय यदि एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दें, देखिए इकोसिस्टम में दो बातों पे एक साथ ध्यान देना होगा। देखिए एक तो ये कि जो है केमिकली पॉइजन को दूध के रूप में बेचना असंभव बना दिया जाए, इट इज डूएबल, राइट। आप बताइए जितनी भी गायें हैं उनको मैप किया जा सकता है, उनको RFID से जोड़ा जा सकता है, उन्हें ऐप से जोड़ा जा सकता है। उस पे यदि मध्य प्रदेश में करते हैं तो पब्लिक ऑटोमेटिकली अपने साथ जुड़ रही है, क्योंकि विषय में बताना चाहता। मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूँ, यदि आप आज करोगे तो आपकी कुगति कर दी जाएगी, लेकिन यही काम आप, सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि आप करके दिखाने वाली, मुझे मालूम है इनकी गुंडागर्दी भी निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं है, लोग हैं पब्लिक भी आपके साथ। मैं उल्टा कह रहा हूँ, हम इन्हीं लोगों का उपयोग क्यों ना करें, लोगों को जोड़कर एक बार 2 करोड़ को पहुंचका कर इन्हीं को जो है ना व्यवस्था ना करें उस नए इको सिस्टम के लिए। और यदि ये व्यवस्था नहीं होती है तो मैं एग्री हूँ। एक पॉइंट और बता दूं जी, 657 लगभग गौशालाएं बनाया, कमलनाथ क्यों जीता था, बोला कि हिंदुस्तान की ठेकेदारी ले रखा है गाय के लिए, फरवरी 2019 तक 1.85 रुपीज देते थे गाय के पाउडर के लिए, जो एक चॉकलेट भी नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस पे गूगल पे सर्च करके, आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो कमलनाथ ने बोला ये नौटंकी कर रहा है, उसने 20 रुपया बोला देंगे और गौशालाएं हर पंचायत में बनाए, उसने बना दिया। ठीक है, लेकिन देख लीजिए अभी है एक एक प्रोजेक्ट है 27 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का। ठीक है, लेकिन आज करीब 250 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। कारण क्या है, मेरे पास डेटा स्टडी है तब बता रहा हूँ कि इससे कमलनाथ का नाम होगा, इसलिए वो अब गौशालाओं को पैसे नहीं दे रहे, समझ रहे ना। और इस पॉलिटिक्स से बेचारी गाय फंस गई मध्य प्रदेश में, समझ रहे ना। सो मेरा कहना है कि इसकी एक प्लानिंग करिए रियल में, और मध्य प्रदेश में आप इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। जन प्रभु नारायण जी, मैं इस दुष्ट व्यवस्था में करके दिखाने की बजाय एक तो कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहेंगे नंबर वन, और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना चाहेंगे बिना ग्राउंड पे उतारे। क्यों? क्योंकि ये सभी दुष्ट शक्तियां आपके कॉन्सेप्ट को डिफीट करने के लिए लग जाएंगी और आपका फेल होना सुनिश्चित है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक बात मैं इसी को एक मिनट मैं इसका मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बात को करने के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि मैं रोजगार का मौलिक अधिकार दे दूंगा, मैं हेल्थ का मौलिक अधिकार दे दूंगा, मैं फूड का मौलिक अधिकार दे दूंगा, जिसमें भारत के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को अन्न का, दूध का, दही का, घी का, शहद का और जीवन वर्धक औषधियों का मौलिक अधिकार होगा,
और ये मौलिक अधिकार उन लोगों के लिए भी होगा जिनके खीसे में पैसा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए भी हमने व्यवस्था, एक कर्जहीन व्यवस्था पैदा की है कि भारत के हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आप गरीब हैं और आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, तो आपको कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा, आपके डेबिट अकाउंट से ही जो है ना अपने आप भुगतान हो जाएगा। और बहुत अच्छा आइडिया है, जब अर्निंग अकाउंट में आएगा तो पे हो जाएगा। अब अज्यूम करिए कि बदकिस्मती से या निष्क्रियता के कारण या जो आज फ्रीबी की आदत लग गई है, सामने वाला प्रयास नहीं करता है, तो सिस्टम आपको पिकअप करेगा कैसे, कौन से लोग हैं जिनके जो है डेबिट अकाउंट में अर्निंग नहीं आ रही है, डेबिट अकाउंट में कोई अर्निंग पट नहीं रहा है, तो सिस्टम उनसे निवेदन करेगा कि भाई साहब अब मुझे समय दो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राइट, उल्टा नहीं होगा, उसको नोटिस नहीं जाएगा कि इतने बज के इतने मिनट पे ना मेरे कार्यालय पे पहुंचो, और नहीं पहुंचे तो तुम्हारे खिलाफ हम वारंट जारी कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको समृद्ध बनाना चाहते हैं, और फिर जो है हमारी व्यवस्था उसके पास पहुंचेगी और उसे कहेगी कि भाई साहब आपका, उसकी पूरा जो है ना प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल बनाएगी। राइट, और उससे जानने की कोशिश करेगी कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसका वर्तमान जो है ज्ञान क्या है, वर्तमान हुनर क्या है, और उसे कैसे जो है ना क्या दिया जा सकता है, ये उसके कंसल्टेशन में तय किया जाएगा। आपको थोड़ी सी क्या करना चाहिए ना, मैं आपको बताऊं, एक बार सिर्फ राज्य का और दौरा का कार्यक्रम रखना जाना चाहिए, सीधा डायरेक्ट पंचायत में पब्लिक में। आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हम जाति धर्म और इन सब चीजों में, नेतागिरी में और पॉलिटिक्स में बटे हुए लोग हैं। पहले यदि हम छोटे छोटे आयोजन करके अपने से जुड़े लोगों को चाय पर बुलाकर, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन से 10-10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प करके यदि हम 1 करोड़ पर पहुंचने की रणनीति यदि हम करते हैं, जिसमें 90 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, इतने सरल उपाय के तहत यदि जब एक्चुअली मैं बताता हूँ गुप्ता साहब, ऐसा है कार्यक्रम में मैं बुलाता हूँ, पब्लिक को भी एड्रेस करिए पक्का कार्यक्रम। जी, वो विषय क्या है कि एड्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, बोलने का जितना भी टाइम चाहिए आपको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, विल प्रोवाइड यू। ये बात जो है ना